देखो बेटा, लाइंस एंड लैंग्वेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है। लाइंस एंड लैंग्वेज, लाइन के बारे में आप जानते हो, एंगल के बारे में आप जानते हो। अगर एक लाइन को बनाना है तो कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है, बताइए जल्दी से। हाँ, और बेटा एक एंगल को बनाना है तो कितने रे की जरूरत होती है? टू रे की जरूरत होती है। कितने रे की? टू रे की। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहे हैं ना, IMP पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट देखना, अब आप देखते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट में। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ए पॉइंट क्या कहलाते हैं? एक से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, है ना। थ्री और मोर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना। हाँ, इसको इधर, इसको ए, इसको बी, इसको सी, डी, ई, कितने सारे पॉइंट हैं। अगर बेटा तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखिए, अब आप जानते हो बेटा, जब दो रे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो तब क्या बनता है? एंगल बनता है। जैसे ए है, ए बी सी, एंगल ए बी सी बोलेंगे इसको, एंगल ए बी सी। ए एंगल का साइन होता है और एंगल थ्री लेटर में लिखे जाते हैं। थ्री लेटर, कितने लेटर में? थ्री लेटर। और बीच में वो चीज आनी चाहिए जो इधर पॉइंट पर होता है, जो कॉर्नर पर होता है। समझ गए? ओके, तो ए क्या लिख देंगे? वैन टू रे मीट, जब दो रे मिलती हैं एट अ पॉइंट, कहां पर? एक पॉइंट पर। देन एंगल फॉर्म, देन एंगल फॉर्म क्या होता है? एंगल बनता है। क्या होता है? बनता है। बोलो, आया? अच्छा बेटा, एक चीज और देख लो बेटा, एक्यूट एंगल कहां से कहां तक होता है? 0 to 90। लेकिन 90 नहीं होता है ना, 0 होता है। 0 को 0 डिग्री बोलते हैं और 90 को 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, एक्यूट के बाद राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज कितने डिग्री का होता है? 90 से 180। अच्छा, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 का, है ना, याद रखो बेटा ये। रिफ्लेक्स एंगल कितने का होता है? अरे बोल दो, 180 to 360। नवजोत आ रहा है कि नहीं? यस सर। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360। और जीरो एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री। ठीक है ना?
बोलो यहां तक कोई भी समस्या हो तो पूछो हमसे, कोई भी सर। प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की कहानी चल रही है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा, देखो बेटा, फोर्थ वाला, टू एंगल का सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल, अगर दो एंगल का सम 90 है तो उनको क्या बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो क्या बोलेंगे? इधर बाकी चीज सेम लिख लेना, क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए बाकी कल पढ़ते हैं। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम गई होगी। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो बेटा क्लास को। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर।